एक डिबेट बहुत ही पॉपुलर से डिबेट है कि जिस बंदे ने बॉडी को 35 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, क्या उसके ऊपर नार्को टेस्ट काम कर सकते हैं? इसके दो एस्पेक्ट है, क्या इस केस में काम कर सकता है, दूसरा इस केस के अलावा जो जनरल केसेस है उनके अंदर कैसे वो काम करता। तो नार्को टेस्ट के पीछे जो केमिस्ट्री है उसे पहले डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर ये चार कंपाउंड्स हैं जो बड़े फेमस हैं। कंपाउंड है, इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाद कोई और कंपाउंड्स नहीं होते। बेसिकली यूएस और इंडिया इनको यूज करती है, इजराइल और रशिया क्या यूज करते हैं ये उन्होंने कभी बताया नहीं। उनके पास इस जैसे कंपाउंड हो सकते हैं, इससे ज्यादा बेहतर कंपाउंड हो सकते हैं। अब ये इनके स्ट्रक्चर्स में एक कॉमन सी चीज है, तो मैं नोटिस करना है वो कॉमन सी चीज है क्या। इन दो स्ट्रक्चर में कॉमन सी बात कौन सी है? बात है वो ये स्ट्रक्चर है, ये जो ये स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली इस मॉलिक्यूल के डेरिवेटिव है। इस मॉलिक्यूल के बेसिस पे, इस मॉलिक्यूल को बेस बना के हमने इन चीज़ों को डिराइव कर रखा है। जो अगले दो स्ट्रक्चर है उनके अंदर भी लगभग ऐसी बात है, इस वाले को छोड़कर। थायोपेंटल सोडियम, सोडियम के जो सॉल्ट है वो भी वैसे ही है, बस यहाँ पे सल्फर की, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर दे रखा है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर दे रखा है। ये केस थोड़ा डिफरेंट है, ये केस थोड़ा डिफरेंट है। ये यूएस में बेसिकली, ये यूएस के अंदर यूज करते हैं। इन सब में जो कॉमन सी चीज़ है वो बारब्यूटरिक एसिड है, ये बारब्यूटरिक एसिड है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स ही इंसान को सच बोलने के लिए फोर्स करते हैं। सच बोलने, झूठ बोलना इंसान के लिए जितना आसान है, जब उसके मैकेनिज्म, जब उसकी साइकोलॉजी, जब उसके पाथवे आप ड्रॉ करते हैं तो आइडिया लगता है कि एक बहुत ही हाई कोऑर्डिनेटिंग जॉब है। वो ये हाई कोऑर्डिनेटिंग जॉब नहीं कर सकते, हाई फंक्शन टास्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? ये कह रहा है आप झूठ भी नहीं बोल सकते, मगर क्यों? इसे ट्रांसमिट करने के बाद, ये एक गाबा सेल थ्योरी है, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये उस न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ मिलकर इसने क्या करना वो देखो, इसने उस न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ मिलकर करना क्या है वो देखो। इसने उस न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ क्या करा कि सीएल नेगेटिव आयन की जो इनफ्लो है, जो इनफ्लो है उसे बढ़ा दी। इसने क्या करा, सेल को परमिएबल बना दिया, सेल को परमिएबल बना दी। किसके लिए? क्लोराइड आयन्स के लिए। क्लोराइड आयन की जब हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गई, उसने ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करा। उसने क्या करा कि ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल जा रही, इस सिग्नल को उसने डिस्टर्ब करा, उसने सिग्नल की स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दी, वीक कर दी। अब ये कह सकते हैं कि क्या ये परमानेंट है? सपोज हमने किसी की बॉडी में इंजेक्ट करा, क्या परमानेंटली उसके साथ ऐसा होने है? तो आंसर है नो, ये टेम्प्रोरी इफेक्ट है। कर रहा है वो होश में आने के बाद ये नहीं बता सकता कि उससे सवाल कौन से पूछे गए थे और उसने उन सवालों के आंसर कह दिए। ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है इसकी। नाजी इसे यूज करते थे अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर, नाजी इसे यूज करते थे इस तरीके को। इसराइल के लोग भी इसे यूज करते हैं। और इंसान की बॉडी जिंदा है या नहीं जिंदा है ये ब्रेन को कैसे मालूम होता? तो ब्रेन लगभग इसी थ्योरी को यूज करते हैं, ब्रेन लगभग इसी थ्योरी को यूज करता है। वो क्लोराइड आयन इंजेक्ट कर रहा होता, और इस क्लोराइड आयन को जिस सेल ने, जिस टिश्यू ने, जिस ऑर्गेन ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, ब्रेन मान लेता कि अगर इसने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो ब्रेन मान लेता कि ये डेड है। और अगर किसी बॉडी के किसी भी हिस्से ने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो ब्रेन ये मान लेता कि वो जिस बॉडी को लीड कर रहा है अब वो बॉडी मर चुकी है। तो मैं मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर ब्रेन के अंदर कोई ब्रेन वेव जैसे साइन मिलने बंद हो जाते हैं। तो ये तो केमिस्ट्री थी, उन केमिकल्स की केमिस्ट्री थी। एक तो ये टेम्प्रोरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रोल है उसे डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने से इंसान हाई कोऑर्डिनेटिंग जॉब नहीं कर सकता। वो बोल सकता है लेकिन उन अपनी बातों को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता एक दूसरे के साथ, कि उसने कल जो कहा था, जो अगले सवाल का जवाब दे रहा वो पिछले सवाल के साथ कोऑर्डिनेट कर भी रही, या फिर वो एक नई किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते। अब ये इसका दूसरा पार्ट ये है कि क्या वो ऐसे लोगों के ऊपर काम कर सकते हैं? आंसर है फ्लैट नो।